हेलो स्टूडेंट्स लेट्स सी द क्वेश्चन सो द क्वेश्चन सेज व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब तो चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं टेंपरेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस टेंपरेचर ऑफ़ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस टेंपरेचर ऑफ़ द सॉल्यूशन रिमेंस द सेम सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है देखो पहले हम लिख लेते हैं कि इसमें क्या प्रोडक्ट हमें मिलने वाले हैं एसिड के साथ बेस का रिएक्शन होगा तो हमें मिलेंगे सॉल्ट प्लस वाटर कम से कम एक इन्फॉर्मेशन आपको यहां से मिल रहे हैं जैसे कि सॉल्ट यहाँ बन रहे हैं तो नंबर फोर स्टेटमेंट जो है वो सही है अब ये नंबर फोर स्टेटमेंट किस किस में है ऑप्शन ए में है एंड ऑप्शन डी में है यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से कोई एक सही आंसर होगा ये जो रिएक्शन है इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है है ना तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये बेसिकली एक्जोथर्मिक नेचर का होता है अब ये एक्जोथर्मिक नेचर का मतलब क्या है मतलब है यहाँ से हमें हीट मिलते हैं तो हीट इज एग्जॉर्टेड है ना हीट इज एग्जॉर्टेड प्लस देखिए यहाँ पे हीट लिख सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो अगर हीट इज एग्जॉर्टेड आफ्टर द रिएक्शन मतलब रिएक्शन होने के बाद क्या होने वाला है सराउंडिंग के टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ठीक है टेम्परेचर ऑफ द सल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा यानी नंबर टू इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड यहाँ पे नंबर टू एंड नंबर फोर कहाँ पे है डी ऑप्शन में है सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई होप यह समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है थैंक यू सो मच